Hello everybody, namaste and welcome to the channel. This reading is going to be on Abhishek Kumar and Khanzadi. And if you like the guidance, please like the video so that I can know that you are not only giving the energy, matching the energy of my readings with your energy, you are giving it back ताकि हम motivated रह सके, हमें भी energy वापस मिले and so that we don't suffer a burnout. किसी भी वीडियो का लाइक इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी टू कंसिडर कि मैं उसकी रीडिंग कर सकती हूँ कि नहीं, उसको अपनी एनर्जी दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती हूँ. बिकॉज द वे थिंग्स हैव बीन ऑन द चैनल फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज, देर हैज बीन अ लॉट ऑफ जजमेंट, लॉट ऑफ अटैक्स, एंड आई रियली फील लाइक विदड्रॉइंग माई एनर्जी. सो इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज सपोर्ट द चैनल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आई ऑल्सो हैव द एनर्जी टू ब्रिंग दिस रीडिंग्स एंड आई डोंट गो थ्रू अ बर्न आउट. एंड आई विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट माई एनर्जी. आई एम नॉट हियर फॉर अ बर्न गो थ्रू अ बर्न आउट एंड डू द रीडिंग्स. खानजादी एंड अभिषेक कुमार, व्हाट्स रियली हैपनिंग फॉर देम, लेट्स सी. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Abhishek Kumar and Khanzadi. Okay. What's really happening in their relationship? इनकी पहले की रीडिंग मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है, सो आई डोंट नो हाउ इट विल गेट कनेक्टेड, बट नेवरदलेस जो आएगा वही रीड करेंगे हम. सिक्स ऑफ कप्स है. तो फूल का कार्ड रिवर्स में है और यहां पे क्या है, किंग ऑफ सोर्ड है. किंग ऑफ सोर्ड क्या कर रहा है यहां पे आके खानजादी में. यहां पे है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में. क्या हुआ था इनके रिलेशनशिप में लास्ट रीडिंग में, आई डोंट हैव एन आइडिया, बट यहां पे हो क्या रहा है. सिक्स ऑफ कप है, फूल इन रिवर्स में है एंड द किंग ऑफ सोर्ड है. एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है इनके बीच में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन अ बिजनेस करियर प्रोजेक्ट, और वो अपॉर्चुनिटी टेक ऑफ नहीं कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे टेक ऑफ नहीं कर रहा है, फूल जंप नहीं कर रहा है, तो आगे बढ़ नहीं रहा है. यहाँ पे ही एनर्जी उनकी अटकी पड़ी है, आपके खानजादी की और अभिषेक कुमार की. कोई प्रोजेक्ट है जो कि वर्कआउट स्टार्ट होना है ऑलमोस्ट, बट वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है. ऑलराइट, पास्ट में तो सिक्स ऑफ कप्स सब चीज ठीक ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. सिक्स ऑफ कप्स में हर चीज हैप्पी डैपी है, घुल मिल रहे हैं, बट यहां पे प्रॉब्लम आ गई है. किंग ऑफ सोर्ड ये इन द फ्यूचर कार्ड में मुझे बता रहा है कि एक स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग इस पे होगा. जो भी प्रोजेक्ट पे शायद उनको जो काम करना है ना, जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक स्टेप, बोल्ड स्टेप आगे नहीं ले पा रहे होंगे जो भी है. एक किंग ऑफ सोर्ड आके हमेशा बोल्ड डिसीजन लेता है, तो वो एक डिसीजन मेकिंग इस पे होगा. यानी कि कोई भी, या तो देखो ये प्रोजेक्ट से तो डेफिनेटली हो सकता है, बट अदर थिंग्स भी हो सकता है. कोई भी चीज पे एक स्टार्ट करनी है उनको जो कि हो नहीं पा रहा है, तो उस पर एक स्ट्रांग डिसीजन, एक बहुत ही क्लियर डिसीजन वो लोग लेंगे, ऐसा लगता है आने वाले समय में, यही लगता है. और पास्ट में तो सिक्स ऑफ कप्स में सब चीज हैप्पी डैपी था, इनके बीच में कोई इश्यूज थी नहीं, बट अभी यही एनर्जी बनी हुई है. आगे बढ़ने से हिचक रहे हैं प्रोजेक्ट में काम करने से, एंड या दिस इज व्हाट इट इज. यहां पे डिसीजन मेकिंग होगा, क्वाइट पॉसिबली लड़की डिसीजन मेकिंग ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये फीमेल फिगर है, तो मे बी शी कैन टेक डिसीजन.
बट ये किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो इस मैटर पे डिसीजन मेकिंग होगा, स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग, क्लियर डिसीजन मेकिंग। इस जो यहाँ पे चीजें उलझी सी है ना, वहां पे होने वाला है। तो यही है, इसमें तो कुछ खास पता खास नहीं चल रहा है। दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी दैट दे आर गोइंग थ्रू। बैक ऑफ द डेक में रिसेंटमेंट का कार्ड है। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर गोइंग थ्रू सम रिसेंटमेंट, बट वी विल चेक। डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव अ गाइडेंस फॉर अभिषेक कुमार फॉर अभिजादी रिलेशनशिप विद अभिजादी। अभिषेक कुमार के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? इसके लिए आ रहा है, ये बंदा ईगो में है, ओके? इस रिलेशनशिप को लेके ये ईगो में है। बंदी के लिए क्या गाइडेंस आता है? ये आ रहा है, बंदी को बोला जा रहा है कि तुम जो भी चीजें हो रही है ना, इसके परेशान मत हो, जस्ट लेट इट बी, फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। बिल्कुल, यहां पे ये टसल देख रहे हो ना, जो टसल हमने एक्सप्लेन किया है, उस पर क्लियर डिसीजन मेकिंग होने वाला है फ्यूचर में, बट आप उसके कारण परेशान मत हो। यानी कि ये जो टसल देख रहे हो ना, ये तो ईगो में है, तो ये टसल कर रहा है ये बंदा, मगर बंदी को बोला जा रहा है कि डोंट फाइट इट, ये जो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। वेन यू कांट चेंज अ सिचुएशन, कंपैशनेटली एक्सेप्टिंग इट इज एग्जैक्टली वॉट विल ब्रिंग यू पीस। एग्जैक्टली, ये बंदी का गाइडेंस ये है, लाउड एंड क्लियर। अब हम इन दोनों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बंदे के लिए क्या गाइडेंस आता है? ये डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली, बंदी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है डियर एंजल्स? ऑल राइट, वो बोम, आई लाइक दिस। जब कोई ईगो प्ले गेम खेल रहा है एंड यू आर लाइक यू आर नॉट एबल टू मेक थिंग्स वर्क आउट, आपको बोला जा रहा है एक्सेप्ट व्हाट इट इज बिकॉज यू रियली डोंट वांट थिंग्स टू क्रम्बल डाउन, राइट? तो आप थोड़ा फियर में होते हो, डरते हो, जो भी है, बट यहां पे उसको वही बोला जा रहा है एक्सेप्ट इट, क्योंकि एटलीस्ट वो चीज आपको पीस लाएगी कि ठीक है, जो भी होगा ईश्वर करेंगे। और यहां पे एम्पावरमेंट का कार्ड है, क्योंकि यहां पे हम बहुत बेबस हो गए हैं ना, हम चेंज नहीं कर पा रहे, हम चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज नहीं कर पा रहे, हमको मैसेज भी आ गया है लेट इट बी, तब हमें कार्ड आता है यूनिवर्स की तरफ से एम्पावरमेंट का, एंड दैट्स हाउ टैरो हेल्प्स यू। यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। यहां पे आप देख रहे हो ना, यहां पे जब एक इंसान ईगो दिखा रहा है, एंड आई विल रीड द कार्ड्स एज इट इज, आई एम नॉट एनीबडीज ऑफ दीज फैन, जो कार्ड्स में आएगा मैं वही पढ़ूंगी, चाहे किसी को पसंद आए ना पसंद आए, नहीं पसंद आता है मत देखिए, चूज योर पीस। एक इंसान ईगो में है, एक इंसान चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है पर ठीक नहीं कर पा रहा है, एक मजबूरी सी दिख रही है, क्यों? क्योंकि एक इंसान ईगो में है तो डेफिनेटली वो चीजों को ठीक नहीं करना चाह रहा है, एक इंसान चीजों को ठीक करना चाह रहा है, उसको बोला कि तुम ठीक नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। एक तरह का यहां पे बिचारगी दिख रही है, बट यूनिवर्स उसी समय आके बोल रहा है, क्योंकि बिचारगी फील होगी ना, क्योंकि आप चीजों को ठीक करना चाह रहे हो और ठीक नहीं हो रही है, प्लस गाइडेंस भी आ गया कि आप उसको जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लो, और कितनी बिचारगी फील होगी कि कोशिश करके भी हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे आके यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये बिचारगी का चोला फेंको एंड बिलीव दैट यू आर वेरी पावर। इट्स नॉट लाइक यू बिलीव, बट यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक, सो टैप इन टू योर पावर। क्योंकि वो नीडी एनर्जी से ना हम चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अपने आप को, चीजों को, लोगों को एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो टैप इन टू योर पावर। दिस इज द गाइडेंस फॉर द गर्ल, दिस इज द गाइडेंस फॉर द गाई। ये किसी डिसीजन मेकिंग में उलझा हुआ है, यहां पर डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी आप देख रहे हो, पास में सब चीजें ठीक थी, यहां पर क्लियर डिसीजन मेकिंग आ रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड। सो दैट वॉज द गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक एंड अभिजादी, जो भी है। Thanks for watching, guys. And if you like the guidance, please like, share, and subscribe. And I will see you again. Take care. Bye for now.